पानीपत शहर के काबड़ी रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक फैक्ट्री मालिक और बिजली निगम की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी छीन ली। दरअसल गली में नीचे ही ट्रांसफर रखा हुआ था, जिससे फैक्ट्री में सप्लाई जाती थी। इस ट्रांसफर के पास गली में खेलते वक्त 2 साल के बच्चे को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के शव को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका पंचनामा भरवा कर शव गृह में रखवा दिया गया है। बच्चे के पिता संजय ने बताया कि वो पानीपत के न्यू रामपुर स्थित भारत नगर में किराए पर रहता है। यहीं पर वो एक फैक्ट्री में काम करता है और 2 बच्चों का पिता है, जिसमें 4 साल की बड़ी बेटी है। 2.5 साल का छोटा बेटा रुद्र बाहर खेलने के लिए चला गया था। रोजाना की तरह ही वो घर के आसपास ही खेल रहा था। इसी दौरान घर से कुछ ही दूरी पर अलंकार फैक्ट्री के बाहर वो चला गया, जहां फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जिसकी चपेट में रुद्र आ गया और उसकी मौत हो गई। जिसका नाम रुद्र था, एक खेल रहा था गली में और एक लाइट का ट्रांसफार्मर है, उसे करंट लग गया था। उसके किधर की बात है? एक कावड़े रोड गोपाल भारत नगर में अर्जुन नगर में कावड़ी रोड अर्जुन नगर में। बच्चे की 2.5 साल है जाए भी, और साथ में और भी कोई खेल रहा था, और भी बच्चे थे, मान लो दूर थे उस समय, वो वहाँ पे अकेले ही था। और जैसे मान लो जो खम्बे के बाद वो अकेले चले गया खेलने, और बाकी रोड पे खेल रहे थे, और भी बच्चे थे सारे थे। हाँ, घर के नजदीक ही है, मान लो ये हमारा घर है, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान पे ट्रांसफार्मर में गली में रखा। हाँ, गली में रखा नीचे, जब उसे कट नीचे है थोड़े से जब भी। तो क्या मांग कर रहे हो आप, किस तरह किसकी लापरवाही मान रहे हो? ये तो बिजली वालों की लापरवाही है, और ये जी हम लोगों की, थोड़ी बच्चे छोटे छोटे जी गली में खेलेंगे और घर थोड़ी डर पाएगा जी। नहीं फिर अच्छा, किसी के बच्चे में तो गली में खेलते जी छोटे छोटे होते हैं, और क्या कैसे पता लगा हादसे का? जी पता क्या लगा, बच्चे खेल लेते, मेरा छोटा भाई था वो किसन, और वो भाई साहब चले गए, एक जो आए थे उनको लेके, उनकी दुकान है परचून की, वहाँ पे अपने मान लो बच्चों की पेंसिल बुनते रबड़ रुबड़ बेचते हैं ना, उन्होंने उठाया बोले आए थे, बाकी यहाँ पे मैं तो फैक्ट्री में था ड्यूटी पे, मैं तो अभी आया हूँ मौके पे था। तो हाँ वहाँ यहाँ आया, यहाँ उन्होंने मना कर दी कि गुजर गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते। कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? जी मेरे को 6-7-8 साल हो गए रहते रहते कम से कम यहाँ तो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का था। वो छोटा है लड़का? हाँ लड़का छोटा था। गुड़िया कितने साल की है? गुड़िया ये 5वें साल में चल रही है। क्या नाम है गुड़िया का? अंशिका। तो ये भी साथ में थी या और दूसरे बच्चे थे खेल रहे? ना ये भी साथ में थी, मान लो ये दूर खेल लेती और भी थे साथ में बच्चे। दोपहर का? अच्छा हाँ दोपहर का, ये 2 बजे के बाद का शायद। मैं 12 बजे जब मैं उसको गई तो खाना खिला के गई थी, फिर वो ऊपरी खेलता रहा मेरे साथ सामने ही, फिर मैं तो चली गई थी काम पे 12 बजे के बाद, फिर मैंने उसको देखा ही नहीं। ये थी मेरी लड़की, घर के पास ही में ट्रांसफार्मर बना हुआ है। वो तो कितना ऊपर रखा हुआ है ट्रांसफार्मर? बिल्कुल छोटा ही है ट्रांसफार्मर, बहुत ऊंचा तो है पर नीचे रखा हुआ है, शिवम फैक्ट्री का है वो। क्या बताया लोगों ने कि करंट लग गया? ये बोले कि वहीं पे पड़ा था, ये उठाया हमने। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद स्थानीय निवासियों में गुस्सा भर आया। इसके बाद लोगों ने फैक्ट्री और बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों ने मांग की कि मृत बच्चे के परिवार को न्याय मिले और ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और घटना न घटे। किस समय बच्चा का जाने का है, बच्चा तो आए, बच्चा खेल रहे तो वे चिपट गए, और हम लोग को यह ना जो यही जेले गए उठाए। फिर कितने नीचे थी तार? तार जो इधर है जो लिखा वो है तिंगे, जो लिखा वो है लीला, इधर एहन पर रहा तो फिर मैं मोबाइल देख रही थी, वो भी मेरे पास देख रहा था, तो सारे बच्चे आए गए, तो पता नहीं कौन टाइम से वो उठ के चला आया, कहाँ कौन टाइम से नहीं चले आया है। कहाँ लगा करंट? हेने पे लगा है। कहाँ पे बताओ? जी खंबे के पास लगा है। वो जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का है ना, नीचे ही है, बहुत नीचे है, इससे ज्यादा वही छू गए, वही ऐसा हुआ। बच्चा वहाँ खेल रहा था? हाँ बच्चा वहाँ खेल रहा है, वो शिवम फैक्ट्री का है। कब से? और ये फैक्ट्री और ये ट्रांसफार्मर कब से है यहाँ पर? बहुत सालों से है वो, उतने का उतना ही है। बच्चा कितने साल का था? क्या बच्चा 2.5 साल का है, सोनू नाम है उसका। लापरवाही उन ऊपर लगाना चाहिए था ना उनको, नीचे के बाद आप सबसे पहले पहुंचे मौके पर? नहीं मैं छत पे था, नीचे आया था, मैं आंटी उठा के लेके आई थी, जब मैंने देखा हाथ ऊत मसले इसके,
देखा तो धड़कने इसकी चलती थी, उस टाइम हम लेके इसे आ रहे थे वहाँ, क्या नाम है ये, पुल के नीचे हॉस्पिटल में लेके गया, एक मिनट भी नहीं लगा होगा वहाँ से, फिर तुरंत ही यहाँ लेके आए हम। मैं वहाँ पे बैठ के अपना फ़ोन चला रहा था, तभी अचानक देखा कि यहाँ पे एक बच्चा गिरा हुआ था, तो वो आंटी लेके गई, कहाँ गई वो आंटी उसको उठा के लेके चले गई, तो मेरा फ़ोन आया, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, जैसे मैं उधर देखा ना तो वो लड़का अनकॉन्शियस हो गया एकदम से, नीचे गिर गया, जैसे गोद में उठा दिया ना ऐसे हो गया, तो जैसे मैं उसको तरफ भागा हुआ गया, मैंने उसको थोड़ा सा चेस्ट प्रेस किया ताकि उसको सांस आ जाए। हालांकि कॉलोनी वासियों का ये भी आरोप है कि हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक के बुलाने पर मौके पर बिजली कर्मचारी पहुंच गए। काफी समय से जो फ्यूज पैनल पोल पर नीचे की ओर लगा हुआ था उसे हादसे के बाद तुरंत इस तरह ऊपर कर गए कि हादसा इससे हुआ ही ना हो। हालांकि अभी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं किया है, यहाँ किसी बड़े के साथ अभी भी हादसा हो सकता है। फैक्ट्री के बैक साइड पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सरकारी, उसमें हमने भी उनको कंप्लेंट की थी कि भाई ये तारे नीचे हैं, क्योंकि सड़क एकदम से पीछे ऊंची हुई थी 4-5 फुट, इस करके ट्रांसफार्मर जो है नीचे हो गया, तो उसको ऊपर करना था। हम तो ट्रांसफार्मर को, सरकारी ट्रांसफार्मर को हाथ भी नहीं लगा सकते, और जो भी है लापरवाही बिजली बोर्ड की है, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं, हम तो इनके हाथ भी नहीं लगा सकते। पब्लिक के लिए ये, जिसका भी बच्चे की डेथ हुई है, बड़ा ही दुखद हादसा है, हमें भी इस बात का काफ़ी अफसोस है कि भाई इस तरह हादसा हो गया है। सर, एक आरोप ये भी है कि हादसे के बाद आपने विभाग को कंप्लेंट की है, वो कर्मचारी, हम तो थे भी नहीं यहाँ फैक्ट्री में ही नहीं थे, हमें पता भी नहीं है कब हुआ है, हमें तो पड़ोसी का फ़ोन आया तब हमें पता लगा कि भाई ऐसे बात हुई है, तो हमने जाके पता किया और पता लगा कि भी वो लेके सिविल हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। कितनी कंप्लेंट आप कर चुके हैं इसको ऊपर करने के लिए, पहले आप बता रहे हैं? कंप्लेंट तो जैसे ही वो आते थे तो हम तो कंप्लेंट करते ही थे, कितनी तो क्या कह सकते हैं, सड़क ऊंची हुई तो उसके बाद ही ये नीचे हुआ, नहीं तो पहले तो ऊपर ही था। लिखित में कंप्लेंट नहीं दी गई थी? लिखित में कोई नहीं कंप्लेंट, वैसे ही उनको वर्बली कहा गया था। हालांकि इस मामले में पिता की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम आज होगा, उसके बाद आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। हाँ, एक 3 साल के लगभग का बच्चा है रुद्र, जो गली में खेल रहा था और खम्भे पे जो तार लगी होती है, नंगी तार थी, उससे उसका हाथ लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सर, परिवार का आरोप है कि जो तारे हैं वो काफी नीचे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और फैक्ट्री में, हाँ, नीचे सप्लाई जा रही है। हाँ, ट्रांसफार्मर पे नीचे थी तारे, जिस कारण बच्चे का हाथ लगा था, और बिजली विभाग और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, आगामी कार्रवाई मन में लाएगा। और सर बता रहे हैं घटना के तुरंत बाद ही वो बोर्ड ऊपर कर दिया गया। हाँ, सामने, हाँ, अभी फोटो है इनके पास, तो बता रहे हैं पहले ज्यादा नीचे था, अब थोड़ा और ऊपर कर दिया गया है। तो इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, पंचनामा करवा दिया गया है, पोस्टमार्टम करवा के इनके वारसान के वाले करवा के आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।